Good morning everyone. Today we are going to start our 7th lecture for class 2 and our chapter is also 2, but today our topic is place value and phase value, expanded and standard forms. Standard form ko hum log short form bhi bolte hain, predecessor and successor. So children, we are going to discuss each of these topics by some examples also, but before let's start our very first topic, place value. So children, what do you know by place value? The value of a digit based on its place is known as its place value, which means that the position of a digit in a number is known as its place. So if we look at the number 777, what do we see here? Here the digit 7 is the same in all the places. आप यहाँ पे देख रहे हो, 1's place पे भी 7 है, 10's place पे भी 7 है, and 100 place पे भी 7 है. But each digit has a different place value. पर हर एक digit की place value different होती है. ये right digit आप जो देख रहे हो, ये आपकी 1's place पे है. So इसकी place value क्या होगी? प्लेस वैल्यू आपकी 7 1s है. सो हाउ वी विल राइट 7 × 1s इज इक्वल टू 7. इन द सेम वे 7 इज एट द 10s प्लेस. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो 7 10s, विच मीन्स 7 × 10 इज इक्वल टू 70. In the same way, again this 7 is at 100 place. So iski place value kitni hai? 700s. So 7 × 100 is equal to 700. To aap yahan pe dekh sak rahe ho, dekh pa rahe hoge ki har ek 7 ki place value alag hai. 7 ones ki place value 7 hai, 7 10s की प्लेस वैल्यू 70 है, एंड 700 की प्लेस वैल्यू. नाउ लेट अस कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल. सो नंबर इज 708. सो यू कैन सी हियर इज 8 इज एट 1s प्लेस. सो 8's प्लेस वैल्यू विल बी 8 1s, विच मीन्स 8 × 1 इज इक्वल टू 8. The same way, 0 is at 10s place. So, its place value will be 0 × 10 is equal to 0. So, children, you have to keep one thing in mind that the place value of 0 is always 0. यहाँ तक कि उसकी जहाँ अगर आप उसकी पोजीशन देखोगे कोई भी नंबर में, या कि उसकी पोजीशन वंस में हो, टेंस में हो, या हंड्रेड में हो, बट जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है. नाउ 7 इट इज एट 100 प्लेस. सो इट्स प्लेस वैल्यू विल बी 700, विच मीन्स 7 × 100 इज इक्वल टू 700. नाउ वी विल लुक एट our second topic, that is phase value. So what do you mean by phase value? So children, in phase value is the actual value of a digit, means the phase value of a digit remains unchanged. मतलब phase value की में जो digits होते हैं वो change नहीं होते हैं, सिर्फ हम लोग उसकी place value में ही digit change करते हैं according to their place. But in phase value you can see यहाँ पे underline number की phase value लिखनी है. So 5 आप देख सकते हो ones place पे है, and 5 की फेज वैल्यू 5 ही होती है. नाउ लेट अस सेकंड एग्जांपल. इन दिस यू कैन सी 9 इज अंडरलाइन. सो 9 इज एट 100 प्लेस. तो 9 जब 100 प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू 900 हो सकती है, बट फेज वैल्यू 9 की 9 ही होती है. मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है डिजिट का, वही उसका फेज वैल्यू होता है. इन 1000 इज अ 10th प्लेस, एंड 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 ही है. सो 0 इज अ फेज वैल्यू. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म. सो वॉट डू यू मीन बाई एक्सपेंडेड एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म एक ही है. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू वॉट डू यू मीन बाई एक्सपेंडेड फॉर्म. सो चिल्ड्रेन,
expanded form of a number is given by the sum of the place value of a digit. एक्सपेंडेड फॉर्म को कैसे लिखते हैं, उसकी सम ऑफ द प्लेस वैल्यू की लिखते हैं. जैसे इफ यू कंसिडर द नंबर 248, सो वी विल अरेंज द डिजिट्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट. फर्स्ट वी विल अरेंज द डिजिट्स इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट. वंस, टेंस, हंड्रेड. सो नाउ वी विल अरेंज दिस नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट लाइक 8, 4 and 2. So now children, from the table we can see that place value of 8 is 8 ones, which means 8. Place value of 4 is 4 tens, which means 40. Place value of 2 is 2 hundredths, which means 200. So now children, we can write the expanded form in two ways, इन वर्ड्स एंड इन नंबर्स. तो मैं आप लोग को दोनों वे बताने वाली हूँ जिसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को टू वेज में लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और नंबर्स में लिख सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल एक्सपेंड द नंबर 248 इन वर्ड्स. सो इन वर्ड्स हाउ यू विल राइट इज 200 प्लस 4 टेंस प्लस 0 वंस. ये आपकी हो गई वर्ड्स में. Now we will write the expanded form in number. So in number how you will write is 200 की वैल्यू 200 होती है, प्लस 4 टेंस की वैल्यू 40, प्लस 0 वंस की वैल्यू 0. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर. तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हम लोग ने टू वेज में लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म को, वर्ड्स में एंड नंबर में. सो इन द सेम वे वी विल नाउ अंडरस्टैंड द टॉपिक शॉर्ट फॉर्म. सो चिल्ड्रेन, the short form of a number is given by the combining the place value of all the digits at the correct places. आपको क्या करना है ना, इसमें सारे जो आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में बनी हुई है, पहले आप इसकी सारी प्लेस वैल्यू को कम्बाइन करके यहाँ लिखोगे और फिर उसकी डिजिट्स लिखोगे. सो यू कैन सी हियर इज 3, आपकी ये सारी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखी हुई है एंड आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सो फर्स्ट हाउ यू विल सॉल्व दिस इज 300 की वैल्यू कितनी होती है, 300 प्लस 7 टेंस की वैल्यू 70, 8 वंस की वैल्यू 8, सो दिस विल बिकम 378. तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. इन द सेम वे 700 की वैल्यू 700 एंड 5 टेंस इज 50, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 750, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. 900 की वैल्यू 900 एंड 3 वंस की वैल्यू 3, सो 903. ये हो गया हम लोग का शॉर्ट फॉर्म एंड दिस इज टर्म्ड एज एक्सपेंडेड फॉर्म इन वर्ड्स. Now you can see here our topic is numbers on the abacus. So children, numbers on the abacus में आपकी two types की question आती है. या तो आपके abacus पे beads draw किए रहते हैं एंड आपको उसके respective places पे लिखना होता है. And second, place value chart drawn होता है एंड सबकी value लिखी हुई होती है एंड आपको वो beads draw करनी होती है. So first you can see here is ones के rod में 1, 2, 3, 4 है, तो हम लोग ने यहाँ पे 4 लिखा. टेंस के रॉड में 1 एंड 2 है, हम लोगों ने 2 लिखा. 100 के रॉड में 1, 2, 3 है, हम लोगों ने ये लिखा. ये हम लोग का पहला मेथड हो गया. सेकंड में आप देख रहे होगे वंस के रॉड में कोई भी बीड नहीं है, टेंस के रॉड में बीड है, 100 के रॉड में बीड है. सो चिल्ड्रेन, इफ देर इज नो बीड इन द रॉड ऑफ द एबेकस, अगर एबेकस के रॉड में कोई भी बीड ना हो, देन वी पुट द डिजिट 0 इन द करस्पॉन्डिंग प्लेस ऑफ द रॉड. तो हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस पे 0 पुट करेंगे अगर किसी भी रॉड में 0 ना हो. लाइक यू कैन सी हियर वंस के रॉड में बीड्स नहीं है, सो यू प्लेस द 0 ऑन द प्लेस ऑफ वंस. टेंस में 3 है, 100 में 2 है. नाउ चिल्ड्रेन, सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग द नंबर ऑफ एबेकस इज, आप देखो यहाँ पे रॉड पे बीड्स ड्रॉ नहीं है, बट यहाँ पे आपको वंस में 8, टेंस में 0 एंड 100 में 7 दी, तो आपको ये बीड्स ड्रॉ करनी है. फर्स्ट ये वंस की है, ये टेंस की है एंड ये 100 की रॉड है. वंस के रॉड में 8 बीड है, सो यू हैव टू ड्रॉ 8 बीड. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 and 8. 10s के रॉड में 0 है, इट मीन्स वी विल नॉट ड्रॉ एनी बीट ऑन द 10s रॉड. 100 के रॉड में 7 बीट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So this is the way of solving the questions on the number on the abacus. ये two types के questions ही आपको पूछे जाएंगे numbers on the abacus पे. Now children, our third topic is predecessor and successor. So we have already learned the concept of before and after and in between in our previous lectures. So we will now learn about predecessor and successor. So for this, you have to know the term predecessor and successor. So children, we will discuss this term part wise. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रीडिसेशर. अब आपको क्या समझते हो इसकी मतलब क्या होती है. सो द नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसेशर. ऐसा कोई नंबर विच कम्स जस्ट बिफोर द गिवन नंबर वी कॉल इट्स प्रीडिसेशर. एंड वी कैन ऑल्सो से दैट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द गिवन नंबर वी गेट द प्रीडिसेशर. इट मीन्स माइनस वन वी हैव टू डू. लाइक क्वेश्चन इज राइट द प्रीडिसेशर ऑफ 368. सो वॉट वी विल डू, 368 minus 1 is equal to 367. So 367 is the predecessor of 368. In the same way children, what do you mean by successor after knowing about predecessor? That the number which comes just after the given number. It means when we add 1 to the given number, we get the successor of that number, which means we have to add plus 1 to the given number. So for that, one example is here. Write the successor of 529. So what you will do is, in solution, 529 plus 1, you get 530. So 530 is the successor of 529. So children, after discussing about many topics like phase value, expanded form, phase value, a predecessor, successor, we will solve some of the examples relevant to our topic so that you will be able to solve your exercises. So children, our first example is, you can see here, fill in the blanks. This type of questions you will find in your book. So children, in 710, 0 is in, you can see here, 0 is in 1's place. So you will write here 1's. Then 1 is in 10's place. So you will write here 10's. And 7 is in 100's place. So you will write here 100. इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको बुक में मिलेंगे, इसलिए मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगी. इसको देखकर आप लोग अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर पाओगे इजिली. सो एग्जाम्पल 2 इज फिल इन द बॉक्सेस. यू हैव टू फिल इन द बॉक्सेस. So A number is in the number 542. The place value of 4 is. अब पूछ रहा है यहाँ पे कि 542 में place value क्या है 4 का. तो यू कैन सी हियर 4 इज एट 10th प्लेस. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 10s, विच मीन्स 40. इन द सेम वे इन द नंबर 760 द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज. सो वी ऑलरेडी नो दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0. सो वी विल राइट ऑलवेज 0. Now example 3 is, you have to form a 3 digit number with 1 at the 100 place, 1 at the 1's place and 0 at the 10's place. So solve kaise karenge, pehle hum ek chart bana lenge 1's, 10's, 100 ka. 1's, 10's and 100. Ab aap yahan pe dekh sakte ho, with 1 at the 100 place. To 100 place pe hum logon ne 1 likh diya. 1 at the 1's place, 1's place pe bhi 1 likh diya. 0 at the 10th place, तो हम लोगों ने 0 लिख दिया. So we have formed our 3 digit number, that is 101. So now you have to write the expanded form in words. मैंने आपको भी just पढ़ाया है कि expanded form को हम लोग 2 ways में लिख सकते हैं, in words में and in numbers में. तो यहाँ पे आपको words में लिखनी है. So how you will write is 100s plus 2 10s plus 0 1s. Now you have to write the expanded form in number. So how you will write the number? यहाँ पे देख सकते हो, जब भी हम लोग लिखते हैं expanded form को तो हमेशा from left से लिखते हैं. तो 1 is at 100 place. So place value of 100 is 100. Then we will put a plus sign.
Again, this one is at tens place, so 1 tens is 10. 0 is at ones place, so 0. The same way we will solve this question also. 9 is at 100 place, so 900. 8 is at tens place, 80. 7 ones is 7. Now you have to write the short form of each of the following. So how to write the short form? मैंने अभी जस्ट आपको example में बताया था. How you will write is 300 की value 300 होती है, 2 tens की value 20, 6 ones की value 6. So the number in short form is 326. The same way, 300 is 300, 3 tens is 30. So the number is 330. Now 700 plus 40 plus 1. So short form will be 741. 406, so 406. Now you have to write the predecessor and successor of the following number. So 900 number is here. Successor of 900 will be 901. And predecessor of 900 will be 899. Successor always means plus 1 and predecessor always means minus 1 of the given number. 699. Successor of 699 will be 700 and predecessor of 699 will be 698. So after discussing so many topics, what you have to do is you have to solve this exercise 2.2. We have discussed each and every question of this exercise. So for today's, your homework is to solve size 2.2. Thank you, children. Stay home and stay safe.